गोरखपुर के सांसद और जाने माने अभिनेता रवि किशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से चुटकी ले ली है। इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम था, सफाई मित्र का, उनकी सुरक्षा और सम्मान का सम्मेलन था। गोरखपुर नगर निगम द्वारा किए जा रहे सफाई कामों में नगर निगम की रेटिंग सुधरी है, 3 स्टार रेटिंग आई है और इसके लिए क्लीन गोरखपुर, ग्रीन गोरखपुर नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है और करीब करीब 3,500 सफाई मित्र और 500 कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी सफलता की चर्चा हो रही थी। वैज्ञानिक विधि से वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा चल रही थी, सफाई योद्धाओं का सम्मान भी हुआ। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपना भाषण देने आए तो गोरखपुर की सुंदरता का बखान करने के दौरान उन्होंने चुटकी ली अभिनेता और सांसद रवि किशन का। अभी तक रवि किशन की फिल्म कितने लोग देखे? फ्री में देखे हैं या पैसा लेके? फ्री में? अच्छा, नहीं नहीं, चलिए, उनका रवि किशन की फिल्म देखे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग ना करें, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा लोग क्या करेंगे? अच्छा कपड़ा पहन करके करते हैं ना, तो इसलिए लोगों को हीरो लगता है ना। दरअसल वो समझाना चाह रहे थे कि सफाई की कितनी अहमियत है और अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ों की कितनी अहमियत है, उससे सुंदरता बढ़ती है। वो शहरों की सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने फिर खुद को हंसते हुए और भी चीज़ें कही रवि किशन के बारे में। वो अपने उद्बोधन से आपका मनोरंजन भी कर लेते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। देखो, पिछले 6 महीने से गोरखपुर में लगातार जमे हुए, गाँव गाँव जा रहे हैं, वॉल राइटिंग भी कर रहे हैं, विकास की योजनाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विधायकों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर लेते हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। मैंने उनको एक आवे फिल्मों में के लिए काम करना, विधायकों को मत फिल्मों में लेके जाना। लेकिन जो फटे कपड़े वाली बात थी और जो हीरो वाली बात थी, फिल्में वाली बात थी, उस पर सब लोग ठहाके मार के हंसने लगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब योगी आदित्यनाथ जी ने चुटकी ली हो रवि किशन अभिनेता और सांसद पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पिछले कुछ समय पहले गोरखपुर पहुंचे थे, लाभार्थी कार्यक्रम था, तो एक दुकानदार से उन्होंने पूछा कि तुम्हारी दुकान पर कोई मोमोज खाने आया था? इस पर दुकानदार ने कहा हाँ, रवि किशन जी आए थे। तो सीएम योगी जी ने पूछा कि पैसे दिए थे या फ्री में खाए थे? तो उसके बाद वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे। एक और मौका था जब रवि किशन जी चुटकियों के टारगेट पर थे। पीएम ने उस समय चुटकी ली थी, लाभार्थी प्रोग्राम था, वर्चुअल संवाद कर रहे थे पीएम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो योजना चल रही है डिस्ट्रिक्ट में, उसके तहत टेराकोटा के आर्टिक्राफ्ट बनाने वाले एक कलाकार थे लक्ष्मी चंद, उनसे पूछा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आपके गाँव में आई तो कैसा स्वागत हुआ? तो लक्ष्मी चंद जी को सुनाई नहीं आया, तो रवि किशन जी उनको कान में बताने लगे। तो पीएम ने कहा कि रवि किशन की तरफ देखकर मत बोलिए, आपको जैसा महसूस हुआ वो बताइए, सच सच बताइए, उनको बुरा लगे तो बुरा लगे। ये रवि किशन जी टारगेट पर, किसके मजाकिया अंदाज के टारगेट पर तीसरी बार आए हैं पिछले कुछ समय के अंतराल में। रवि किशन जी का जन्म वैसे मुंबई में हुआ था, लेकिन 10 साल की उम्र में ही पारिवारिक कारणों की वजह से वो उत्तर प्रदेश वापस आ गए और 7 साल तक वहीं रहे। उसके बाद वापस भाग गए चुनिंदा कपड़े और चुनिंदा रुपए लेकर, वहाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई वापस आ गए और अभिनय के करियर की शुरुआत उन्होंने पीताम्बर नाम की फिल्म में की। 1992 में आई थी ये फिल्म और उसके बाद फिर भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ सहित कई OTT प्लेटफॉर्म की भी फिल्में और सीरीज़ भी करी, 750 से ज़्यादा फिल्में करी। सन की दरोगा, संग्राम, पियवा बड़ा सतावेला, लव और राजनीति, बांके बिहारी MLA, सैया हमार, राजा भोजपुरिया जैसी उनकी कुछ फेमस फिल्में हैं। वैसे 2014 में रवि किशन जी कांग्रेस से भी टिकट लेकर लड़ चुके हैं जौनपुर से, और हारे तो कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में आए 2019 में, टिकट ली, लोकसभा जीते।
अब 2024 आ गया है, सीएम योगी ने जिस तरह से वैसे रवि किशन जी की तारीफ करी उससे तो लगता है कि गोरखपुर से अगली बार भी उनके टिकट पाने का रास्ता बड़ा आसान दिख रहा है।